Siddharth Vihar or so-called Indirapuram Extension's next big thing is touted to be Prestige City. It has created such a buzz that the entire NCR market has gone into a frenzy. कुछ लोगों का मानना है कि ये इनकी डेवलपर प्रोफाइल की वजह से है और कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इनके लेआउट्स और इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी सुपीरियर है दैट दे आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। बट क्या इस पूरे एरिया में या इसके आसपास भी कोई अच्छे ऑप्शंस इसके अलावा है ही नहीं? वाई और वाई नॉट? आज जो हम अपडेट आपको देने वाले हैं वो काफी लोगों को अनफेयर लग सकता है, अनरियलिस्टिक भी लग सकता है और भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन दैट्स द होल ब्यूटी ऑफ इट। वी रियली वांटेड टू गिव यू एन इनसाइट अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन फॉर यू। हम बात कर रहे हैं रामप्रस्था ग्रुप के इंपीरियल हाइट्स के बारे में जो लोकेटेड है इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर। अब कई सारे लोग लोकेशन के बेसिस पर डिफरेंसेस निकालेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, सो ये सारी ही डिटेल्स अब आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर शायद आपको बहुत जल्द ही कंपैरिजन ड्रॉ करना पड़ सकता है क्योंकि रामप्रस्था इंपीरियल हाइट्स का फेज टू बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है और प्रेस्टीज सिटी का भी अभी तक रेरा नंबर नहीं आया है, यानी कि वो भी अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है। और लोकेशन में इन दोनों के ऑफकोर्स कुछ डिफरेंस है लेकिन इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है कि आप इन्हें कंपेयर ना कर पाए। एंड जिस तरीके की इस वक्त मार्केट में प्रेस्टीज सिटी को लेकर के बज है, वी रियली जस्ट वॉन्टेड टू चेक आउट अदर पॉसिबल ऑप्शन फॉर आर व्यूअर्स एट द नेस्ट स्टोरी। सो लेट्स डाइव इन। हेलो एंड वेलकम टू द नेस्ट स्टोरी ओरिजिनल। Here's presenting Ramprastha Imperial Heights latest update located at Indirapuram. We will just be comparing it with Prestige City at Siddharth Vihar only on a few factors like pricing, location and land parcel or project amenities. अगर आपको ये कंपैरिजन अनफेयर लगता है तो उसके लिए आप प्लीज हमें अभी से माफ कर दीजिए। वी होप वी डोंट हर्ट एनीवनस सेंटीमेंट्स विद आवर ओपिनियंस एंड चॉइसेस। वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन ओनली आफ्टर केयरफुल मार्केट रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपर प्रोफाइल की। एस्टैब्लिश्ड इन 1960, रामप्रस्था ग्रुप हैज कम डाउन टू बीइंग नोन एज द अल्टीमेट लैंड किंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर। रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ द ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन 2008। बट दिस प्रोफाइल इज ऑफ देयर पेरेंट कंपनी एंड व्हेन वी स्पीक अबाउट RUDPL देन देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज रामप्रस्था प्लैटिनम हाइट्स। उसके बाद इंपीरियल हाइट्स इनका सेकेंड प्रोजेक्ट है। RUDPL के फाउंडर है मिस्टर सूरज सिंह यादव और अब उनके बेटे मिस्टर सुदीप यादव और मिस्टर प्रदीप यादव भी कंपनी को संभाल रहे हैं। रामप्रस्था ग्रुप सीम्स टू हैव अ मोर इंडियनाइज्ड वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। ऑल्सो इट्स बीइंग लेड बाय डिफरेंट एंटिटीज। द पेरेंट कंपनी इज विद इन वन फैमिली बट डिवाइडेड बाय पिन कोड्स। यू विल फाइंड देयर प्रेजेंस इन वैशाली, इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन लाइक एरियाज। The location of this property is of Indirapuram and it's bang on NH24, also known as NE3. इस location से मेरठ और आसपास के areas की connectivity अच्छी है। इंदिरापुरम गाजियाबाद का सबसे hustling bustling area है and it pretty much sets the tone for a good living standard. नोएडा के major industrial hubs जैसे sector 62, 63 इस location के पास पड़ते हैं, इसलिए ये जगह residential community के लिए काफी attractive रही है। गाजियाबाद के सबसे premium developments इसी एरिया में बनकर आए हैं। यहाँ से CISF कैंप की डिस्टेंस है लगभग 2.5 किलोमीटर। लेजर एंड लाइफस्टाइल के लिए आप शिप्रा मॉल, जयपुरिया मॉल, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर को कवर कर सकते हैं जो लगभग 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आ जाते हैं। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अक्षरधाम इज अबाउट 10 किलोमीटर, मयूर विहार अराउंड 12 किलोमीटर एंड वैशाली इज अराउंड 8 किलोमीटर। हॉस्पिटल्स, लोकल मार्केट्स के लिए यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटी हैं। ओवरऑल ये लोकेशन डिसअपॉइंट नहीं करती। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम इन गाजियाबाद then it must be at Indirapuram. Also, there's a catch about this land parcel as well. So, Ramprastha ke paas yahan pure 130 acres ka land patch hai aur ye inki family mein divided hai. Imperial Heights Mr. Suraj Singh Yadav aur unke bete Mr. Sudeep Yadav dekh rahe hain. Aage chalkar ye is land parcel mein aur bhi kuch developments la sakte hain. This is a truly unique location. Aapki registry yahan par hogi Gautam Buddha Nagar Dadri tehsil ke andar aur developer ko construction ke liye approvals lene honge GDA यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। यहाँ आपको बिल्कुल बैंग ऑन NH24 की कनेक्टिविटी मिलती है।
इससे इमीडिएटली एडजॉइनिंग प्लॉट में एक ग्रीन पैच बना हुआ है जो आगे चलकर भी ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के सभी नेशनल हाईवेज के दोनों तरफ 30 मीटर्स का ग्रीन कवर मैंडेटरी है। Spread across 7 acres of land parcel as per RERA in precisely 28,697 square meters. There will be 7 towers in the society. Ye ek fully paid up land hai. There will be a total 936 units which averages to 133 apartments per acre, making it a mid-density project. Approximately 3 acres ka green area yahan par rakha gaya hai, which is quite decent considering ki yahan par sizes bade hain aur ye kis area mein develop ho raha hai. Sabhi towers ki height G+30 फ्लोर्स की है। फेज वन में 4 टावर्स हैं और फेज टू में 3 टावर्स होंगे। करंटली फेज वन इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। प्रोजेक्ट में 3 और 4 BHK की स्पेसिफिकेशंस हैं। 1495 स्क्वायर फीट, 1715 स्क्वायर फीट और 1780 स्क्वायर फीट के 3 BHKs हैं और 2420 स्क्वायर फीट का 4 BHK में एक साइज है। टावर्स डी एंड ई विल हैव 4 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर, टावर्स एफ एंड जी विल हैव 6 अपार्टमेंट्स पर फ्लोर। सभी टावर्स में 4 लिफ्ट्स होंगी और सिक्योरिटी रीजंस के लिए एक लिफ्ट होगी जो बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक ही जाएगी। ऑल द टावर्स हैव डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबीज। टोटल 3 विजिटिंग लाउंजेस विल बी गिवन इन ईच टावर, इंक्लूडिंग अ सीनियर सिटीजन लाउंज। सभी टावर्स में एक मिनी थिएटर के लिए भी प्रोविजन है। माइवन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हो रहा है सोसाइटी में और ये एक पोडियम बेस्ड स्ट्रक्चर पर बनी। पोडियम बेस्ड होने की वजह से ग्रीन स्पेस में कोई वेहिकुलर इंटरफेरेंस नहीं होती। इट्स कंसिडर्ड क्वाइट सेफ फॉर चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड एंड नॉट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद मूविंग व्हीकल्स। पार्किंग इज ऑन 3 levels including stilt level and 2 basement parkings. Total 1470 parking spaces have been allotted in the society. अब अगर यहाँ पर हम प्रेस्टीज सिटी के ओवरऑल टेंटेटिव लेआउट की बात करें और स्केल की बात करें तो प्रेस्टीज सिटी अपने आप में एक टाउनशिप की तरह डेवलप की जा रही है जहाँ पर शॉपिंग मॉल, हाई स्ट्रीट ऑप्शंस और G+45 to 50 फ्लोर्स के हाई राइजेस बनने वाले और वो इस एरिया को एक मैसिव अपग्रेड देंगे। 62.5 एकर्स का लैंड पार्सल डेवलप हो जाने पर यहाँ एक कभी ना देखा गया माहौल प्रमोट होगा। रामप्रस्ता ग्रुप के पास देखा जाए तो ज्यादा बड़ा 130 एकर्स का लैंड पार्सल है, पर फैमिली में डिवीजन की वजह से कौन क्या डेवलप करने वाला है और कब, इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। पर अगर फीचर्स देखें तो इंपीरियल हाइट्स में भी न्यू एज फीचर्स की कमी नहीं है। सोसाइटी के अंदर एक प्रीमियम लेवल पर डेवलपमेंट हो रही है और आपको हर तरीके की एमेनिटीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स जिनमें साइज वेरिएशंस भी अच्छे हैं। As per the developer, the flats will be delivered to you in a semi-furnished condition along with ACs installed. Har ek unit ke andar built-in wardrobe hoga aur modular kitchen hoga along with chimney and hob specification. Video door phone will also be available at every apartment. Sabse chota size hai 1495 square feet ka aur ye ek decent size category hai. Is unit mein 5 balconies ke saath achhi openness milti hai. Generally 1495 square feet ya isse niche ke sizes mein drawing area hi dining area ban jata hai. पर यहाँ लेआउट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यू विल फाइंड एम्पल स्पेस इन ऑल द रूम्स एंड ड्राइंग एंड डाइनिंग एरियाज। सिमिलरली साइज बढ़ते हुए रूम स्पेसिफिकेशंस भी बड़े हो जाते हैं। बाकी के 3 BHK साइजेस में स्टोर एड ऑन हो जाता है और 4 BHK यूनिट में 6 बालकनीज प्लस स्टोर के साथ लेआउट और इम्प्रूव हो जाता है। आफ्टर सीइंग प्लेंटी ऑफ फ्लोर प्लान्स एट ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यू माइट फाइंड रामप्रस्थाज लेआउट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड अनकॉम्प्रोमाइज्ड। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग शुरू हुई थी 4600 पर स्क्वायर फीट से 5000 पर स्क्वायर फीट तक और आज की डेट में चल रही है लगभग ₹10,000 पर स्क्वायर फीट पर। फेज वन में अब ये रीसेल की प्राइसेस ₹9500 to 10,000 पर स्क्वायर फीट हो चुके हैं। अब इस प्राइसिंग का एक डायरेक्ट कंपैरिजन प्रेस्टीज ग्रुप की प्राइसिंग से करें तो आपको लगभग ₹2,000 पर स्क्वायर फीट का फर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रेस्टीज सिटी का रेरा नहीं आया है। अब तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि नवंबर तक यहाँ पर रेरा आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ है और अब ये टाइमलाइन नेक्स्ट ईयर तक मूव होते हुए दिख रही है। प्रेस्टीज सिटी के साथ एंटिसिपेशन है कि उनकी प्राइसिंग लगभग 12,000 से 16,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में आएगी। आसपास के बाकी डेवलपर्स को भी अपना प्राइस ब्रैकेट पुश करने का मौका मिलेगा। हम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इंपीरियल हाइट्स का सेकेंड फेज भी अब उसी टाइम पीरियड के अराउंड लॉन्च होगा जब प्रेस्टीज सिटी ऑफिशियली लॉन्च होगी। अब ऐसे में अगला सवाल है कि लोकेशन वाइज इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार या सो कॉल्ड इंदिरापुरम एक्सटेंशन में ये कंपैरिजन ड्रॉ क्यों किया जा रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरापुरम में फिलहाल और कोई भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च ही नहीं हो रहे हैं जो इस स्केल, फीचर्स और स्टेबल डेवलपर प्रोफाइल के हों। और सिद्धार्थ विहार में मेजर डोमिनेंस TNT ग्रुप के प्रोजेक्ट्स की है जो मोस्टली अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में ही है। मैक्सिमम बायर्स को इंदिरापुरम की लोकेशन सिद्धार्थ विहार से ज्यादा प्रेफरेबल लगती है। एज पर रेरा ये प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था और अगले साल इसका फेज 1 डिलीवर हो जाएगा। फेज 2 के लिए एंटिसिपेशन हाई है और जल्दी इसका रेरा नंबर भी आ जाना चाहिए। रामप्रस्था इंपीरियल हाइट्स के फर्स्ट फेज को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में अब तक एंड यूजर्स का परसेंटेज ज्यादा रहा है। सो फेज 2 में इन्वेस्टर्स के लिए ये अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी एंड यूजर्स का यहाँ पर होना इस लोकेलिटी के लिए एक मेजर पुश होगा। फेज 1 की मेंटेनेंस अगर अच्छी चलती है तो ये फेज 2 के लिए लोगों को काफी अट्रैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक लोकेशन एंड वेरियस साइज ऑप्शंस। रामप्रस्था ग्रुप के बाकी के पार्टनर्स पर हम कमेंट नहीं कर सकते, पर जो इंपीरियल हाइट्स को डेवलप कर रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल है। यहाँ तक आने के लिए इनकी अप्रोच रोड 10 मीटर वाइड रोड की है जिसके लिए GDA ने अप्रोच रोड को 30 मीटर वाइड करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस काम के लिए भी जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाना चाहिए। इंपीरियल हाइट्स के फेज 1 का पोजेशन अगले साल है और प्रेस्टीज सिटी का रेरा जब भी आता है उसके 4-5 साल बाद ही पोजेशन आपको मिल पाएगा। सभी लीडिंग बैंक्स इस वक्त इंपीरियल हाइट्स में लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट को नोएडा एक्सटेंशन के 10-12 सेक्टर्स में लॉन्च हो रहे प्रोजेक्ट से भी कंपेयर करें तो ये एक वैल्यू फॉर मनी डील लग रही है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, पोजीशनिंग, बिल्डर बैकग्राउंड एंड फीचर्स। अब इनके सेकंड फेज में कैसा रिस्पॉन्स आता है वो देखने लायक होगा क्योंकि इनके फर्स्ट फेज ने बहुत सारे एंड यूजर्स को अट्रैक्ट किया। वी होप आपको हमारी ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छी लगी हो और ये आपके लिए एक अच्छी वैल्यू एडिशन हो आपकी रियल एस्टेट नॉलेज में। और हम सभी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली विश करना चाहते हैं। मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल द वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नेक्स्ट स्टोरी व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अराउंड। यू आर आर गिफ्ट। थैंक्स अ लॉट। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। Keep watching the next story, subscribing to our content, and yes, you can also follow us on Instagram. Bye-bye, take care, see you very, very soon in the next videos.